ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे, हमारा क्वेश्चन क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग फंक्शन। हैश इंक्लूड एसटीडी आईओ डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉन आईओ डॉट एच, देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे वॉइड मेन, और यहाँ हम लोग लिखेंगे गेट सी एच। ठीक है, हमने एक मेन मेथड बनाया। अब हम लोग एक वॉइड चेंज नाम का हम लोग एक void change नाम का हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको डिक्लेयर कर लेंगे। डिक्लेयर कैसे करेंगे, void change, यहाँ पे ऐसा हम लोग डिक्लेयर कर लिए। यहाँ पे हम लोग एक साइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट एक्स इक्वल टू 100। ठीक है, कल जो हमने प्रोग्राम किया था मैं उसी को इम्प्लीमेंट करके ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, प्रिंट प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे स्लैश एन बिफोर एडिंग वैल्यू इन साइड फंक्शन। ओके, एक्स इक्वल टू परसेंट टी, इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे इसको। अब यहां पे मैं कर दूंगा, ठीक है, यहां पे हम लोग एक पैरामीटर लेंगे, ठीक है, जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, पॉइंटर, और यहाँ हम लोग लिखेंगे नम। ठीक है, अब इस नम में हम लोग क्या कर देंगे, 100 ऐड कर देंगे, और नम में ही हम लोग इसको स्टोर कर देंगे, नम प्लस 100, ऐसा हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन एक्स इक्वल टू परसेंट डी, ये हमारा पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो गया इस चेंज फंक्शन का। अब हम लोग मेन पे आ जाते हैं, मेन पे आएंगे सबसे पहले, और यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको हम लोग यहां बनाते हैं, इंट एक्स इक्वल टू 100। ओके, ये एक्स जो हमने वेरिएबल बनाया है और इसको 100 से इनिशियलाइज किया है, इसको हम लोग एज ए एक्चुअल पैरामीटर पास करेंगे, सी एल आर एस सी आर, क्लियर स्क्रीन हम लोग यहाँ कर लेते हैं। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन बिफोर फंक्शन कॉल एक्स इक्वल टू परसेंट डी। ओके, एक्स इक्वल टू परसेंट डी हमने दे दिया। देन उसके बाद फंक्शन कॉल करेंगे हम, क्या कैसे कॉल करेंगे, चेंज, इस प्रकार से मैंने कॉल किया, और यहाँ पे हम लोग एड्रेस पास करेंगे, एड्रेस ऑफ एक्स हम लोग यहाँ पास किए। देन उसके बाद फिर से लिखेंगे प्रिंट एफ आफ्टर स्लैश एन आफ्टर
फंक्शन कॉल एक्स इक्वल टू परसेंट डी, इस प्रकार से हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब इसको सबसे पहले हम लोग कर लेंगे सेव। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉल बाय रेफरेंस डॉट सी और मैं इसको करता हूँ कंपाइल। तीन एरर आया यहाँ पे, इंक्लूड की स्पेलिंग गलत होगी, आई एन सी एल। फिर से कंपाइल करते हैं, दो एरर, टाइप मिसमैच इन पैरामीटर, यहाँ पे पॉइंटर देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ठीक है, बिफोर एडिंग वैल्यू इन साइड फंक्शन x इक्वल टू 100 और आफ्टर फंक्शन कॉल x इक्वल टू 200 आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इसमें वैल्यू क्यों ऐसी आ रही है, के वापस से इसको कम करते हैं हम लोग कंपाइल। दो एरर फिर से आ गया, टाइप मिसमैच इन पैरामीटर वन इन कॉल टू चेंज एक्स इज असाइंड वैल्यू नेवर यूज्ड, कहाँ बता रहा है सर? प्रिंट ऐप में वो वैल्यू ये करेंगे एक्स परसेंट डी के बाद। तो यहाँ पे हम लोग को इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा, बिफोर फंक्शन कॉल एक्स इक्वल टू 100, बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इक्वल टू 100 था, देन उसके बाद हमने 100 ऐड किया, आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इक्वल टू 200 वहां प्रिंट किया, उसके बाद जो हमारा वॉइड चेंज जो है उसका पूरे कोड एग्जीक्यूट हो चुके हैं, उसके बाद हम लोग वापस से रिटर्न आएंगे मेन में और आफ्टर फंक्शन कॉल एक्स इक्वल टू 200। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस यूज करने से हमारे ओरिजिनल जो एक्स की वैल्यू थी उसमें मॉडिफिकेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस यूज किया गया था, यहाँ पे हमने एड्रेस यूज किया था, इसीलिए वो इस एक्स की डायरेक्ट एड्रेस पे जाके वैल्यू चेंज कर दिया। मीन्स इसके अंदर कोई भी अगर वैल्यू होती 100 या 200 वो हमको नहीं पता, एड्रेस के अंदर जो वैल्यू मिलेगी उसमें प्लस 100 कर देगा। तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू जो होती है वो मॉडिफाई हो जाती है, जो भी एक्चुअल पैरामीटर हम लोग यहाँ पास करेंगे। तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ एक्स हम लोग एज ए एक्चुअल पैरामीटर पास किए, एड्रेस ऑफ एक्स एज एक्चुअल पैरामीटर, और यहाँ पे जो हम लोग पॉइंटर लिए ये क्या होगा, पॉइंटर वेरिएबल नम एज फॉर्मल पैरामीटर। ओके, तो इस प्रकार से हमने यहां पे क्या किया, पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू कॉल बाय रेफरेंस को इंप्लीमेंट किया और ओरिजिनल वैल्यू पे चेंज कर दिया। राइट ए प्रोग्राम to swap two values of variables using call by reference, यहां लिखेंगे hash include stdio.h hash include कॉन आई ओ डॉट एच, देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे void main get ch, हम लोग ने दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे swap। ओके, हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे swap, तो हम लोग लिख लेंगे void swap और हम लोग उसमें दो पैरामीटर हम लोग देंगे। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ int asterisk int asterisk comma int
एस्ट्रिक, दो पॉइंटर वेरिएबल हम लोग ऐसे आर्गुमेंट वहां पे लेंगे। अब आते हैं इसके डेफिनेशन पे, हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, void swap, और यहाँ पे मैं दो पैरामीटर ले लेता हूँ, int asterisk x comma int asterisk y, देन उसके बाद हम लोग यहाँ नीचे चलते हैं और इसमें हम लोग लगाते हैं स्वैपिंग का जो हमारा लॉजिक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे, temp, ठीक है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल होगा, temp इक्वल टू एस्ट्रिक ऑफ x, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एस्ट्रिक ऑफ x इक्वल टू एस्ट्रिक ऑफ y, देन उसके बाद एस्ट्रिक ऑफ y इक्वल टू temp। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, जनरली इसको भी हम लोग पॉइंटर ही बना ले तो ज्यादा अच्छा है, ताकि हम लोग का एड्रेस टू एड्रेस स्टोर होते जाए। ओके, तो ये हमारा ये लॉजिक हो गया और हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन हम लोग यहाँ पे दे देंगे, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज ऑफ एक्स इक्वल टू परसेंट डी वाई इक्वल टू परसेंट डी, कॉमा देखे हम लोग यहाँ पे एक्स कॉमा एस्ट्रिक ऑफ वाई, यहाँ पे हम लोग दे देंगे और लगा देंगे सेमीकोलन, और यहाँ पे भी हम लोग एक इसी को सेम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज, देन आते हैं हम लोग मेन में, और मेन में यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दो वेरिएबल बना लेंगे, int a इक्वल टू मैं दे रहा हूँ 10, int b इक्वल टू 20, देन हम लोग कर देंगे clrscr, ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे बिफोर स्वैपिंग, ठीक है, मैं मेरे पास कॉपी किया हुआ है तो मैं यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे हम लोग ए और बी को प्रिंट करेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्वैप को कॉल करेंगे और यहाँ पे हम लोग ए और बी का एड्रेस पास कर देंगे, एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ, ये हम लोग एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी एज ए एक्चुअल पैरामीटर यहाँ पे हम लोग ने पास किया, और यहाँ हम लोग इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आफ्टर फंक्शन कॉल, ओके आफ्टर फंक्शन कॉल। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, ए और बी की वैल्यू एक्चुअल पैरामीटर में पास किए हैं, ए और बी की वैल्यू एक्स में यहाँ कैच होगी, ठीक है, एड्रेस ऑफ ए मतलब ए का एड्रेस और बी का एड्रेस, ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल पे स्टोर होगा, देन उसके बाद यहाँ पे हमने एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया जो भी एक पॉइंटर टाइप का यहाँ पे बनाया है, ठीक है, पॉइंटर ऑफ एक्स की वैल्यू किस में चल जाएगी, टेम्प में चल जाएगी, ठीक है, अब x खाली हो गया, y की वैल्यू किस में चल जाएगी, x में चल जाएगी, ठीक है, y खाली हो गया, टेम्प की वैल्यू किस में चल जाएगी, x में,
तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा लॉजिक है स्वैपिंग करने का वो हम लोग ने यहाँ पे लगा दिया। अब हम लोग इसको कर लेते हैं सेव, सेव करते हैं यहाँ पे हम लोग स्वैप कॉल बाय रेफरेंस डॉट सी, हम लोग इसको करते हैं रन, कोई भी एरर नहीं आया। अब इसको कर देते हैं हम लोग रन, यहाँ पे हम लोग आउटपुट देख सकते हैं बिफोर फंक्शन कॉल स्वैपिंग वैल्यूज x इक्वल टू 100, सॉरी यहाँ पे हम लोग a और b भी कर देते हैं चेंज ताकि हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे दिख जाए, a और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं b, b और यहाँ पे a, तो हम लोग आउटपुट थोड़ा सही दिखेगा। ओके हम लोग इसको करते हैं रन, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग बिफोर फंक्शन कॉल स्वैपिंग वैल्यूज ऑफ a इक्वल टू 10 था, b इक्वल टू 20 था, बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज ऑफ x 10 था y 20 था, मतलब a की वैल्यू किसमें कॉपी हुई, x में कॉपी हुई, b की वैल्यू किसमें कॉपी हुई, y में कॉपी हो गई, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज x इक्वल टू 20 हो गया, y इक्वल टू 10 हो गया, सक्सेसफुली हमारी जो वैल्यूज है स्वैप हो गई। After function call swapping values of a equal to 20, b equal to 10. हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा a है, a की वैल्यू 10 थी, b की वैल्यू 20 थी। अब यहाँ पे a की वैल्यू 20 हो गई, b की वैल्यू 10 हो गई है, ठीक है? तो यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर से हमने वैल्यू किसकी चेंज कर दी, एक्चुअल पैरामीटर की यहाँ पे चेंज कर दी बाई यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल। ओके